हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटी सी बात जो मुझसे पूछी गई है कि सर लेजर कैसे क्रिएट किया जाए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। भाई लेजर क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टेली ईआरपी 9 या प्राइम की बात करें तो लेजर क्रिएट करने के यानी खाता बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेली में एक तो बनाते हैं लेजर्स जो कि आपके जैसे व्यक्तिगत खाता हो सकता है, कंपनी का खाता हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, उसे कहते हैं लेजर। और एक आप बनाते हैं स्टॉक आइटम के खाते, तो वो यहां से बनता है, यहां पे इन्वेंटरी में जाकर के, और फिर आप स्टॉक आइटम के खाते बनाते हैं। यानी स्टॉक आइटम का नाम लिखते हैं, क्या क्वांटिटी है वो लिखते हैं, ठीक है, यूनिट लिखते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो फिलहाल अभी बताता हूं मैं लेजर कैसे क्रिएट किया जाए। तो देखिए लेजर दो तरीकों से क्रिएट होगा। पहला तो तरीका ये है कि आप सीधा गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अकाउंट्स इन्फो में चले जाइए और यहां से जाकर के ये लेजर्स दिया हुआ है, यहां पे आ जाइए। और यहां दो तरीके के लेजर बनाए जा सकते हैं। पहला तो है सिंगल लेजर और दूसरा है मल्टीपल लेजर। तो सिंगल लेजर क्या होता है और मल्टीपल लेजर क्या होता है? मल्टीपल लेजर यानी कि एक ही बार में बहुत सारे लेजर्स आप क्रिएट कर पाएंगे। सिंगल लेजर एक लेजर क्रिएट करेंगे। चलिए सिंगल लेजर एक क्रिएट करके दिखाता हूं। यहां पर आए, क्रिएट पर एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर अब मान लीजिए एक लेजर बनाना है, एक खाता बनाना है, ठीक है। अभी हम बनाएंगे एक क्रेडिटर पार्टी का खाता। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हितेश, हितेश, और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, इसके वजह से यहां सी लिख दिया है मैंने। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आ गए। अब यहां पर ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है हमको कि कौन सा ग्रुप हम चूज करें, कौन सा प्रॉपर ग्रुप होगा। इसका लिस्ट ऑफ ग्रुप खुला हुआ है, देख सकते हैं। तो यहां से केवल एस प्रेस कीजिएगा जब भी आप क्रेडिटर पार्टी का खाता या लेजर्स बनाते हैं। वैसे कंडीशन में आपको ग्रुप रखना है केवल और केवल सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप रख लीजिए, एंटर कीजिए। यहां पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रख करके एंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो फिर यहां से बाहर आना है। अब ये लेजर जो बना वो गया कहां? अगर मान लीजिए आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं तो यहां से वो लेजर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कहां से जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो यहां अकाउंट इन्फो में आ जाइएगा, फिर लेजर में आ जाइएगा, वापस से वही काम। और अगर आपको देखना है केवल तो डिस्प्ले में जा सकते हैं। और ये देखिए हितेश सी नाम से जो लेजर बनाया था वो यही है, ठीक है। यहां से कोई परिवर्तन संभव नहीं है, कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चेंजेस कहां से कर पाएंगे? जब आप अल्टर पे जाएंगे। ये अल्टर है, ये चेंजेस के लिए दिया हुआ है। चलिए ये तो सिंगल लेजर की बात रही, मल्टीपल लेजर दिखा देता हूं। यहां से आर प्रेस करेंगे, देखिए सिंगल लेजर के लिए सी और मल्टीपल लेजर के लिए आर प्रेस करेंगे। तो आर प्रेस कीजिए और यहां से कोई भी ग्रुप चूज कर लीजिए जिसके अंतर्गत आपको खाते बनाने हैं या लेजर्स बनाने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं चूज कर लेता हूं कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर मैं चूज कर लेता हूं सन्ड्री डेटर, तो यहां पे एस प्रेस किया, यहां से सन्ड्री डेटर ग्रुप चूज कर लिया मान लीजिए मैंने, तो ये चूज कर लिया। अब यहां पर लेजर्स बनाने आपको, तो डेटर पार्टी का नाम लिखते जाइए। जैसे पहले डेटर पार्टी का नाम है हिना, ठीक है, यहां पे लिख दिया हिना, तो ये डेटर पार्टी है हमारी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, फिलहाल इसको स्किप करता हूं। दूसरी डेटर पार्टी क्या है? महेश, महेश दूसरी डेटर पार्टी है, तो ये लिख दिया। तीसरी डेटर पार्टी कौन सी है? तो वो आगे आप करते चले जाएंगे, यही सेम प्रोसेस, ठीक है। तीसरी डेटर पार्टी है हमारी मनीषा, ये डाल दिया। चौथी डेटर पार्टी कौन सी है? चौथी डेटर पार्टी है नाजिया, ठीक है। पांचवी डेटर पार्टी उमेश, यहां पर आएगा उमेश, फिर आगे सुरेश। लेकिन ये सब एक ग्रुप के लेजर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सुरेश कर दिया, ये सुरेश हो गया, समझ में आ रही है बात। अब इसको मान लीजिए यहीं तक बनाना है, आगे नहीं बनाना है, तो इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये एक बार में इतने सारे लेजर्स आपने बनाए, यानी मल्टीपल लेजर्स बनाए, ठीक है। तो अगर मल्टीपल लेजर्स को देखना हो तभी यहीं जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, ठीक है। आपने मल्टीपल बनाया था, सिंगल बनाया था, आप सिंगल में भी मल्टीपल को देख सकते हैं। देखिए यहां पर सारा दिखा रहा है, ठीक है। आप यहां से भी जा सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, अल्टर करके, या डिस्प्ले देखना हो तो डिस्प्ले में जा सकते हैं। तो डिस्प्ले में जाने के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा सन्ड्री डेटर ग्रुप चूज करना पड़ेगा। तो यहां से आए, सन्ड्री डेटर ग्रुप चूज किया, डेटर पार्टीज के सारे लेजर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इकट्ठा दिखाई देंगे इस तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही है आपको। अब बात करते हैं आगे कि और भी क्या वेज हो सकते हैं जिसकी मदद से हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। जैसे ये तो हो गया गेटवे ऑफ टैली यानी मुख्य मेन्यू पे रहते हुए। और सेकेंड चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, कैसे बना सकते हैं? जैसे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री पास करते वक्त ही आप लेजर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए अगर आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करनी है,
तो ये अगर रिसिप्ट वाउचर में यहां पर क्रेडिट यानी सीआर दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है, सीआर का मतलब होता है क्रेडिट, तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का बनाना है, तो अल्ट सी प्रेस कीजिएगा, अल्ट सी प्रेस करके यहां लिख दीजिएगा कैपिटल अकाउंट और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, इसे डाल दीजिएगा अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में, ये कैपिटल अकाउंट कर दिया और यहां से एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये भी तो एक लेजर क्रिएट हो गया। यहां पर कैपिटल डाल दीजिए, जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, यहां पर कैश कर सकते हैं या बैंक से दे रहे हैं तो बैंक कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखिए कैपिटल अकाउंट का भी एक लेजर क्रिएट हुआ, वो भी यहां पर आपको दिखेगा। ये देखिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और यहां पर डिस्प्ले पे आते हैं तो यहां कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि लेजर्स किस किस तरीके से बनता है और ये क्या होता है। अब स्टॉक आइटम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टॉक आइटम में क्या होता है, जैसे आप इन्वेंटरी इन्फो पे जाते हैं तो यहां स्टॉक आइटम के खाते आप बना सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम, सेम वही चीज है। तो यहां से जाएंगे तो ये विंडो थोड़ी छोटी दिखेगी इन कंपैरिजन टू लेजर वाली विंडो, जो हम लोग स्टॉक आइटम के अलावा जो लेजर बनाते थे, जो खाते बनाते थे, ये तो हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो ये स्टॉक आइटम का खाता हो जाएगा, वो व्यक्तिगत खाता या संडी डेटर पार्टी, क्रेडिटर पार्टी, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह का खाता जो बनाते थे उसकी विंडो थोड़ी बड़ी आएगी। तो यहां पर मान लीजिए कोई स्टॉक आइटम हमें बनाना है, लाइक यहां पर कर देते हैं लैपटॉप, तो ये कर दिया लैपटॉप, लैपटॉप करने के बाद एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, फिर यहां पर आप देखेंगे तो यूनिट आपको नजर आएगी। तो यूनिट के लिए क्या करना है, अल्ट सी करके यूनिट बनाएंगे हम, अल्ट सी कर दिया। अब आप चाहे तो यहां से एक बार बैक स्पेस की प्रेस करेंगे कंपाउंड यूनिट भी बना सकते हैं, तो ये कंपाउंड यूनिट यहां से बना, फिलहाल सिंपल यूनिट ही बनाना है। यहां पर लैपटॉप में हम क्या करते हैं एनओएस रख देते हैं, एनओएस यानी नंबर्स, और यहां पे फॉर्मल नेम कर देते हैं नंबर्स, ठीक है। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हो गया आपका। तो यहां पर एक स्टॉक आइटम का भी खाता आपने बना लिया। अब ये देखना होगा तो कहां जाएंगे, अगर स्टॉक आइटम का खाता अगर आपको देखना हो तो फिर वापस इन्वेंटरी इन्फो पे चले जाइए और यहीं पर स्टॉक आइटम में जाएंगे ना तो ये आपको दिखेगा कहां पे, यहां पे। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो अल्टर पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए लैपटॉप वाला यही खाता था हमारा, यही हमने बनाया था स्टॉक आइटम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है।